जैसे कि भारतीय जनता पार्टी का ये सबसे बड़ा वर्किंग ग्रुप है और हम हर 3 महीने में बैठकर राजनीतिक समीक्षा भी करते हैं और पार्टी को कैसे आगे बढ़ाना है उसकी समीक्षा भी करते हैं, उसकी योजना भी बनाते हैं। आज की ये बैठक, पिछले दिनों गृह मंत्री जी का यहाँ पर दौरा हुआ श्री अमित शाह जी का, जिसका बहुत बड़ा सकारात्मक असर पूरे जम्मू कश्मीर में दिख रहा है। 26 मई 2014 से लेकर आज तक एक एक दिन एक एक पल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत की जनता के लिए जिए हैं और जम्मू कश्मीर को उन्होंने मुख्य एजेंडे पर रखा है और प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए, चहुमुखी विकास के लिए अपनी सरकार के सभी मंत्रियों को जम्मू कश्मीर के छोटे से छोटे ब्लॉक में जनता को सुनने के लिए और विकास की नई गाथा लिखने के लिए भेजा। मैं समझता हूँ ये एक अपने आप में ऐतिहासिक कदम है कि जम्मू कश्मीर 15 अगस्त 1947 से लेकर आज तक इतने मंत्री इतने छोटे लेवल तक जाकर जनता की भावनाओं को सुनने के लिए गए हों, ये पहली बार भगीरथी कार्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और अब महबूबा मुफ्ती की या फारूक अब्दुल्ला की विश्व भरी सोच जम्मू कश्मीर की जनता ने नकार दी है। 3 परिवारों के दंश में जकड़ा हुआ जम्मू कश्मीर अंगड़ाई ले रहा है और ये जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के श्रेष्ठ नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। डीडीसी चुनाव हो, बीडीसी चुनाव हो या पंचायती चुनाव हो, जनता सामने आई है, जनता ने वोट किया है और ये जो वोट 51% 60% 65% 70% तक वोट, ये वोट दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर की जनता ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो एजेंडा है, जो सपना है कि जम्मू कश्मीर को भारत का सबसे बढ़िया तेजी से बढ़ता हुआ प्रदेश मुकुट बनाना है और जम्मू कश्मीर की जनता उनके इस संकल्प के साथ चल पड़ी है। ये भूमि जिसको पत्थरबाजों की भूमि कहा जा रहा था, आज वहाँ केसर के फूल, केसर की खेती हो रही, जिसे टेररिज्म कैपिटल कहा जा रहा था आज वो टूरिज्म कैपिटल बना। विकास की नई गाथा लिखी जा रही है जम्मू कश्मीर के अंदर। विकास के प्रोजेक्ट जो महामारी के कारण थोड़े डिलेड हो गए थे, उनको अब तेजी से करने की योजना बनी है और निश्चित रूप से ये कार्य समिति उन सब कामों का अनुमोदन करती है। अभी राजनीतिक प्रस्ताव में हमने प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद किया, हमने देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का धन्यवाद किया, जेपी नड्डा जी का धन्यवाद किया, जिन्होंने महामारी में भी जम्मू कश्मीर को बचा के रखा। यहाँ वैक्सीनेशन का रेट भारत में सबसे ज़्यादा है, ये एक ऐसा प्रदेश है जहाँ 100% आयुष्मान भारत लागू है और ये कार्य समिति अपनी अगली योजना के तहत, जो कि परिसमन के बाद यहाँ चुनाव आने वाले हैं, उन चुनावों की तैयारी में भी जुटी है। लोकतंत्र मजबूत हो, लोकतंत्र आगे बढ़े, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। मुफ्ती जी कहती हैं पाकिस्तान से बात करो, फारूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं चीन से बात करो, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जम्मू कश्मीर की जनता से बात करेंगे, जम्मू कश्मीर के नौजवानों से बात करेंगे, जम्मू कश्मीर के नौजवानों को सपनों को पूरा करेंगे। वो पाकिस्तान का एजेंडा लाना चाहते, वो चाइना का एजेंडा लाना चाहते, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जनता 3 परिवारों से, चाहे वो मुफ्ती एंड सन्स हो, चाहे अब्दुल्ला एंड सन्स हो, या कांग्रेस एंड सन्स हो, गांधी एंड सन्स, उनसे पूछ रही है कि 70 साल के विकास का हिसाब दो, 70 साल के भ्रष्टाचार का हिसाब दो। दिल्ली ने इतना पैसा विकास के लिए यहाँ भेजा, वो पैसा कहाँ गया? अब्दुल्ला साहब इधर उधर की बात मत कर, चाइना का गाना मत गा। महबूबा जी चाइना का गाना मत गाओ, पाकिस्तान का गाना मत गाओ, इधर उधर की बात मत करो, भ्रष्टाचार का हिसाब दो, करप्शन का हिसाब दो, बेइंसाफी का हिसाब दो। यहाँ की महिलाएं पूछ रही हैं कि आपने यहाँ उनके अधिकारों को छीन कर रखा, पहाड़ियों के अधिकारों को छीन कर रखा, गुजरों के अधिकारों को छीन कर रखा,
उनके अधिकारों की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी ने 5 अगस्त 2019 को 370 को तोड़कर 35 को तोड़कर यहाँ के हर नागरिक को सम्मान अधिकार दिए हैं और आरक्षण दिया है, आगे बढ़ने का मौका दिया है, एससी भाइयों को दिया है। ये जम्मू कश्मीर की जनता मुफ्ती एंड सन्स, महबूबा एंड सन्स, अब्दुल्ला एंड सन्स इनको स्वीकार नहीं करेगी। इनसे जवाब मांगती है, इनसे हिसाब मांगती है। जब इनसे हिसाब मांगा जाता है ये पाकिस्तान का गाना गाते हैं, जब इनसे हिसाब मांगा जाता है करप्शन का, इनकी संपत्ति का, तो ये हमें चाइना दिखाते हैं। अब चाइना नहीं, पाकिस्तान नहीं, जम्मू कश्मीर में कुछ चलेगा तो केवल तिरंगा चलेगा, हिंदुस्तान चलेगा, भारत माता की जय चलेगी, मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद चलेगा। 50+ का नारा दिया गया है भाजपा की तरफ से एक बार फिर से, जो जम्मू कश्मीर में चुनाव आने वाले हैं, तो किस तरह से इसके ऊपर रणनीति तैयार भाजपा के, क्या अपोजिशन को खत्म करने का काम भी लगातार जारी है? आज भाजपा की इस कार्य समिति में गुज्जर भी बैठे हैं, पहाड़ी भी बैठे हैं, पंजाबी भी बैठे हैं, डोगरा भी बैठे हैं, कश्मीरी भी बैठे हैं, कोई ऐसा फिरका नहीं जो ना बैठा हो। ऊपर रजौरी से लेकर किश्तवाड़ तक और बारामूला नंदलाक से लेकर सोफियान तक, मुगल रोड तक, हर आदमी के मन में उमंग है, तरंग है कि बहुतों को उन्होंने मौका दिया, सब असफल रहे। अब जांचा परखा खरा नेतृत्व जम्मू कश्मीर को चाहिए, जांचा परखा खरा नेतृत्व, नरेंद्र मोदी का नेतृत्व, इसी मंत्र को हम लेकर आगे जाएंगे। विकास की गाथा, सबका साथ सबका विकास, और सबका विकास सबका विश्वास जीतेंगे और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार बनाएंगे। ऐसा है कि करतारपुर कॉरिडोर खुलना चाहिए, इसलिए कल बहुत नेताओं का एक ग्रुप प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मिला है, राष्ट्रपति जी से मिला है और गृह मंत्री जी से मिला है, जेपी नड्डा जी से भी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी मिला है। हमें सभी नेताओं ने आश्वासन दिया है कि क्योंकि पंजाब के जो मुद्दे थे उनको बहुत ज़्यादा हल करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, चाहे करतारपुर कॉरिडोर को पहले खोलने की बात हो, पाकिस्तान की अडिंगों के बावजूद प्रधानमंत्री जी ने उसको पूरा कराया, ब्लू स्टार ऑपरेशन के समय से जो श्री हरमंदर साहिब को डोनेशन विदेशी नहीं दे सकते थे उसकी स्वीकृति दी, 1984 के कत्लोगारत जो सिखों के ऊपर कांग्रेस ने किया उसकी जांच शुरू की, आज सज्जन कुमार कांग्रेस का नेता जेल में है, बाकी पर केस चल रहे हैं, वो जेल जाने की तैयारी में है, ब्लैक सूची को उन्होंने समाप्त किया, हमने इन सब बातों का उनका धन्यवाद भी किया और उनसे निवेदन किया कि आपने पहले करतारपुर कॉरिडोर खोला था, कोरोना की महामारी के कारण यात्रा स्थगित है, 19 नवंबर को गुरु नानक साहब का गुरुपुरब आ रहा है, प्रकाश पर्व है, आप नानक नाम लेवा जो पूरे विश्व की संगत है उसको संदेश दीजिए और दोबारा इस यात्रा को शुभारंभ करने की घोषणा करिए। हमें तीनों नेताओं ने आश्वासन दिया है और मुझे पूरा यकीन है कि जम्मू कश्मीर से भी लोग जत्था जाएगा, भारत के हर प्रांत से नानक नाम लेवा का जत्था करतारपुर साहब में जाके मत्था टेक के आएगा, क्योंकि हम 7 दशकों से अरदास करते आ रहे हैं कि बिछड़े हुए गुरुधामों की दर्शन दीदार हमें हो, वो मौका आया है। सर, जम्मू कश्मीर में आप बेरोजगारी को कितना बड़ा चैलेंज समझते हैं? ऐसा है कि बेरोजगारी बहुत बड़ा चैलेंज है और जिन्होंने बेरोजगारी पैदा की, जिन्होंने बेरोजगारी सींची बढ़ाई, वो तीनों खानदान आज भी जनता के बीच में घूम रहे हैं और वो बेरोजगार नौजवानों के हाथ में पत्थर पकड़ा रहे थे, बेरोजगार नौजवानों को बंदूक उठाने के लिए कह रहे थे। हमारी सरकार जब से आई है, हमने बेरोजगारी को दूर करने के लिए, हाथों में हुनर पैदा करने के लिए, हाथों में नौकरी देने के लिए माउस दिए हैं, मोबाइल दिए हैं, कंप्यूटर दिया है, हुनरमंद किया जा रहा है और यहाँ की बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए एक बड़ा प्लान लेकर गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी लगे हैं और निश्चित रूप से उसमें वो पूरे होंगे। जम्मू कश्मीर में जो भ्रष्टाचार हुआ उसके ऊपर किस तरह? ऐसा है कि भ्रष्टाचार करने वाले तीनों परिवार आज भी भ्रष्टाचार के मुद्दे की जब बात आती है तो वहाँ पाकिस्तान की चर्चा शुरू करते हैं, उनसे जवाब लिया जाएगा। जम्मू कश्मीर की गरीब जनता का एक एक पैसा भ्रष्टाचारियों के अंदर से निकाल कर
जम्मू कश्मीर में के खजाने में पहुंचा।